गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। आई एम आशा शर्मा, योर मैथ टीचर फ्रॉम एशियाई। किड्स, आवर प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5, नंबर फ्रॉम 10 to 20। किड्स, इन दिस एक्सरसाइज वी डिस्कस अबाउट वंस एंड टेंस और प्लेस वैल्यू ऑफ 2-digit नंबर। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर वंस और टेंस या फिर प्लेस वैल्यू 2-digit वाली प्लेस वैल्यू अपन यहाँ पे आज सीखने वाले हैं एंड ऑल्सो लर्न नंबर नेम फ्रॉम 11 to 20 और साथ में नंबर नेम 11 to 20 भी लर्न करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपका कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू और नंबर नेम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक एक्टिविटी के हेल्प से मैं आपको कोशिश करूँगी सिखाने की। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वी टेक 10 buttons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास 10 button है। नाउ वी मेक ए बंडल, नाउ वी मेक ए ग्रुप ऑफ 10। नाउ वी मेक ए ग्रुप ऑफ 10 buttons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 1 10। जब भी अपना 10 digit का 10 objects का ग्रुप बनता है तो अपन उसको बोल सकते हैं 1 10। 1 10 TEN 1 10 मतलब यहाँ पे आपका 10 things का 10 object का जब ग्रुप बनता है तो वो होता है 1 10। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 10 बोल सकते हैं। अब देखो 10 कैसे लिखा जाता है वो भी देखेंगे अपन। 1 0 10 1 0 10 ये हो गया आपका 1 0 10। तो इसमें देखो 0 जो है वो किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, ये O का मतलब होता है वंस और T का मतलब होता है टेंस। तो यहाँ आपके पास 0 जो है वो किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, 0 है वो वंस की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 वंस एंड 1 टेंस 0 वंस एंड 1 टेंस। और इसका नंबर नेम होगा TEN जो अपन ने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। नेक्स्ट, नाउ वी टेक अनदर ऑब्जेक्ट ईयरबड्स। देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आपके पास 11 ईयरबड्स हैं। नाउ वी मेक ए बंडल ऑफ 10 ईयरबड्स एंड पुट द इन दिस बॉक्स। ये अपना 1 10 का एक ग्रुप बन गया है ईयरबड्स का। अब आपके पास लूज खुली जो ईयरबड्स हैं वो आपके पास 1 और है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 1 10 का एक ग्रुप बना तो 1 10 बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये बन गया आपका 1 10 और 1 आपके पास लूज ईयरबड है तो ये हो गया 1। इस प्रकार आपके पास जो नंबर मिला है वो क्या है, 1 1 11। 11 की अपन नंबर नेम अपन सीखते हैं तो ELEVEN 11 ELEVEN 11। और फिर देखो इसमें आपके पास ये नंबर जो आपके पास हैं वो 2 digit के अंदर मिले हैं। तो 1 है ये वाला 1 है वो किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, 1 है वो वंस की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। सो वी कॉल्ड 1 वंस एंड 1 टेंस। ये वाला 1 वो है किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, टेंस की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं 1 वंस एंड 1 टेंस। नेक्स्ट, नाउ आई टेक सम ब्लैक कलर बटन्स एंड आई मेक ए ग्रुप ऑफ 10 buttons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने यहाँ पे 10 buttons का एक क्या बना दिया है, ग्रुप बना दिया है, बंडल बना दिया है। एंड लूज बटन्स 1 2 2 आपके पास लूज बटन है। सो वी कॉल्ड 1 10 ग्रुप इज 1 1 10। 10 things के ग्रुप को अपन 1 10 बोल सकते हैं। तो वी राइट 1 एंड 2 लूज बटन सो वी राइट 2। नाउ द नंबर नेम ऑफ, इस प्रकार आपके पास जो नंबर बना है वो है 12। अब अपन इसका नंबर नेम देखेंगे तो क्या होगा, TWELVE 12
और फिर अपने को देखना है कि ये जो टू है वो किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। टू इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस, टू वंस एंड वन टेंस। इस प्रकार आपके पास टू जो है वो वंस की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है और वन जो है वो टेंस की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। तो अपन इसको बोल सकते हैं टू वंस वन टेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर नेक्स्ट नंबर इज 13। एट फर्स्ट वी मेक इट 10 थिंग्स ऑफ बंडल। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बंडल्स बना लिया है 10 थिंग्स का। ये जो थिंग्स जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो है। नाउ आई हैव ए बंडल ऑफ 10 मैचस्टिक एंड 3 मैचस्टिक इज लूज, 1, 2, 3। एंड वी राइट 1 10 एंड 3 1s, 3 1s। इस प्रकार आपके पास यहाँ पे जो नंबर मिला है वो क्या है, 3 है, वो किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, 3 इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस, 3 1s एंड 1 10s। अब इसकी जो स्पेलिंग होगी वो अपने को नंबर नेम कैसे लर्न सीख करेंगे अपन, THIRTEEN 13। अब अपने पास 1 10 का एक बंडल है मैस्टिक का और लूज जो मैस्टिक है वो है 4, 1, 2, 3, 4। 4 लूज मैस्टिक है, 1, 2, 3, 4। सो 1 10 का अपन ने 1 रखा एंड 4 लूज है वो इधर आ गई आपके पास, 4 लूज मैस्टिक। तो यहाँ पे आपको देखना है 4 स्टैंड ऑन वंस प्लेस एंड 1 स्टैंड ऑन टेंस प्लेस। तो अपन बोल सकते हैं 4 वंस एंड 1 10। अब इसकी स्पेलिंग अपन देखें, नंबर नेम FOURTEEN 14। Now I take some marbles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ मैंने 10 marbles का एक group बना लिया है and loose marbles 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार आपके पास अपन 1 10 के group को बोल सकते हैं 1 10। तो यहाँ पे मैंने रखा 1 और 5 लूज मार्बल्स हैं तो इनको इधर रखा मैंने यहाँ पे 5। तो इस प्रकार आपके पास हो गया 1, 5, 15। सो 5 इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस एंड 1 स्टैंड ऑन टेंस प्लेस एंड द नंबर नेम ऑफ FIFTEEN 15, FIFTEEN 15। नाउ आई मेक 1 10 ग्रुप ऑफ मैस्टिक एंड लूज मैस्टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो वी राइट हियर 1 10 एंड 6 लूज मैस्टिक, सो राइट हियर वंस प्लेस। इस प्रकार अपन देख सकते हैं 6 इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस एंड 1 इज स्टैंड ऑन टेंस प्लेस। नंबर नेम SIXTEEN 16, SIXTEEN 16। 1 10 ग्रुप ऑफ मैस्टिक एंड लूज मैस्टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अपने बने यहाँ पे 1, 7, 7 10। 7 इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस एंड 1 इज स्टैंड ऑन टेंस प्लेस। नंबर नेम SEVENTEEN 17, SEVENTEEN 17। नाउ आई हैव 1 10 बंडल ऑफ मैस्टिक एंड लूज मैस्टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 10 का मैंने रखा 1, 1 10 और फिर 8 आपके पास लूज मैस्टिक है तो ये इधर रख दिया मैंने 8। इस प्रकार आपके पास जो है 8 इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस एंड 1 इज स्टैंड ऑन टेंस प्लेस। नंबर नेम EIGHTEEN 18। नाउ आई हैव बंडल ऑफ 10 मैस्टिक एंड लूज मैस्टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो राइट हियर वंस प्लेस 9 एंड 10 प्लेस 1। टेंस प्लेस पे अपन ने रखा 1। इस प्रकार 9 इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस एंड 1 इज स्टैंड ऑन टेंस प्लेस। नंबर नेम NINETEEN 19। नाउ आई हैव 1 10 बंडल ऑफ मैस्टिक एंड लूज मैस्टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार अपने पास 10 मैस्टिक हो रही हैं तो इनका भी अपने पास एक बंडल बन सकता है। नाउ वी हैव
टू बंडल ऑफ मैचस्टिक। अपने पास यहाँ पे टू बंडल ऑफ मैचस्टिक हो चुके हैं और लूज मैचस्टिक आपके पास अब एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जीरो आपके पास लूज मैचस्टिक है एंड टू बंडल ऑफ मैचस्टिक। सो राइट हियर वंस प्लेस जीरो एंड टेंथ प्लेस इज टू। इस प्रकार अपन बोल सकते हैं वन इज स्टैंड ऑन वंस प्लेस एंड टू इज स्टैंड ऑन टेंथ प्लेस। नंबर नेम TWENTY। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।